अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव बीइंग अ मॉम। ये कोई मेरी तीसरी या चौथी दफ़ा है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियो एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या हो गया है। और एक तो इतनी लेजीनेस हो रही थी, लेकिन अब चलो मैं कर ही रही हूँ वॉइस ओवर। दिन हमारा स्टार्ट हो गया है एटलीस्ट। ये है कि जो भी मैंने शूट किया मैं वो अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दिन आजकल लेट स्टार्ट होता है, 2 बजे जो है वो मिशी बात लेती है और मिशी और मनाहिल तकरीबन 2 बजे तक रेडी हो जाते हैं बात लेकर ब्रेकफास्ट के लिए। तो थोड़ा सा क्योंकि रूटीन आउट हो रही है और मिशी का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा आ गया है और वो फॉर द नो रीज़न रो रही है आजकल। और बस आप लोगों ने वीडियो देखते हुए माशाल्लाह बोलना है और उसके लिए दुआ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। अब उसको कोई फीवर वगैरह नहीं है, लेकिन शी लॉस्ट हर वेट और बहुत इसकी जो है वो पिछले दिनों फीवर फीवर रहा है। तो बहरहाल अब मिशी के पीछे भाग भाग के उनको कपड़े पहनाना और उनसे बातें करके उनसे खेल खेल के और बहुत सारी इनको स्टोरीज सुना सुना के और हंसा हंसा के उनको ड्रेसअप किया जाता है, क्योंकि शी इज़ बिकमिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्ड नाउडेज। और वो खुद ही चाहती है कि मैं ड्रेसअप हूँ, खुद ही क्लोंज लगाना है, खुद ही लोशन लगाना है और अपने बाल कॉम करने हैं, तो ये उनका रहता है। अच्छा, ये टॉयज़ जो सारे उनके साथ नहाए थे ये उनको भी क्लोंज लग रहा है, उनको भी लोशन लग रहा है। तो सो नाइस ऑफ हर, सो क्यूट ऑफ हर कि वो अपने टॉयज़ का भी इसी तरह ख्याल रखी जिस तरह मामा उसका रखती हैं। एनीवेज, लॉन्ड्री की भी थी, लॉन्ड्री का भी काम चल रहा था साथ साथ, वो भी तय कर रही थी मैं कपड़े। और हाँ, मुझे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी थी कि मैं एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर, जो मेरे साथ बहुत शुरू से हैं, आई थिंक 36 मेरे सब्सक्राइबर थे जब से मेरे साथ हैं, अमरीन अली उनका नाम है। तो पिछली वीडियो में मैं उनका नाम लेना भूल गई थी और उन्होंने फिर कमेंट भी किया और मैं बहुत उनसे सॉरी कहती हूँ, लेकिन अमरीन अली जो हैं वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और मुझे हमेशा अच्छे अच्छे सजेशंस देती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच अमरीन। और भी बहुत सारे जो हैं वो न्यू चैनल्स हो गए और न्यू सब्सक्राइबर हो गए, वो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा कमेंट करते हैं एंड दे आर जस्ट लविंग मनाहिल एंड मिशाल। और मेरी रेसिपीज़ भी बहुत से लोगों को पसंद आती है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर दैट मच लव। और इतना अच्छा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आई एम सो हैप्पी। और इसी वजह से है कि मैं अपनी लेजीनेस को तोड़ के और आपके सामने हाजिर हूँ। What color is this? Pink. What color is this? Pink. What color is this? White. No. Blue. Black. Black. What color is this? Pink. What color is this? Orange. What color is this? Brown. Good baby. What color is this? Yellow. Yellow. And this one? Red! Cloudy! Mama, और फिर हर थोड़ी देर बाद ये सवाल कि मामा कुछ खाने को है, कुछ खाने को है। तो फिर मैंने उनके लिए ये KFC चिकन तैयार की हुई थी, ये मैंने इनको दी और साथ में ब्रेड सैंडविचेस बना लिए थे, वो मैंने दे दिए। तो उसके बाद मैंने कहा कोई अच्छी सी डिलाइट बनाती हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इंजॉय कर सकें, घर में ही होते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। तो कोई भी अच्छी सी स्वीट डिज़र्ट टाइप की चीज़ उनको मैं बना दूँ। तो मैंने सोचा क्रीम चीज़ एंड स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट या डिलाइट इनके लिए बनाती हूँ, क्योंकि मनाहिल को ये बहुत पसंद है। तो मैंने इसमें बेसिकली क्या किया है कि 10-12 ओरियोज़ ले लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड करके
और इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। तो बेसिकली ये बेस बन गई है शॉर्ट्स की। तो आप चाहें तो इसमें अगर ओरियो पसंद नहीं है तो आप मारी बिस्किट के भी बेस बना सकते हैं, या वीट बिस्किट की चाहें तो वीट बिस्किट की बेस बना सकते हैं। और इक्वली ही ये जो कैंडी बिस्किट होता है, इक्वली ही उतने मज़े का ये डिलाइट उसके साथ भी बनता है। तो सेकेंड स्टेप इसमें यह है कि हमने स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनानी है। तो मैंने एक कप इसमें फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी ऐड करके चॉप कर लिया है। इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे सिमर किया है। तो स्ट्रॉबेरी प्यूरी मेरी रेडी हो गई है। अगर आपके स्ट्रॉबेरीज फ्रोज़न नहीं है तो आप थोड़ा सा उसमें पानी, जिस तरह 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी डाल दें। और एक बात ये मुझे कहनी थी कि अगर आपके स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा सावर हैं तो आप 2 के बजाय फिर 3 से 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप ऑफ विपी विप क्रीम। विपी विप क्रीम जो है ये बेस्ट क्रीम है फॉर द बिगनर्स, और ये बहुत जल्दी उठ जाती है, पीक्स बनाती है और ये मीठी भी होती है। तो इसलिए से आई प्रेफर कि आप यही यूज़ करें अगर आप बिगनर हैं। नहीं तो नेस्ले की भी क्रीम आ रही है जो कि पर्पल पैकेट में होती है, आप उसको भी अच्छा सा 4-5 घंटे चिल करके और उसको भी आप बीट करेंगे तो वो स्टिफ पीक्स बना लेती है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छी है। और क्रीम चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ हैप्पी काओ की, और ये मैंने डाली है इसमें 2 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें आप चाहें अगर आप इसको ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून के करीब आप पाउडर्ड शुगर जो होती है वो डाल के और इसको आप बीट करें, और इतना बीट करें स्लो स्पीड पे कि इसकी पीक्स बनना शुरू हो जाएं। तो दैट्स इट, ये इसकी तैयार हो गई है फिलिंग। और यहाँ पे मैं आप बताती चलूँ कि हैप्पी काओ की मैंने क्रीम चीज़ यूज़ की है और विपी विप की मैंने विप क्रीम यूज़ की है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली कौन कौन से ब्रांड की यूज़ किए तो मैंने बता दिया। अच्छा, ये फिर हम बेस बना लेंगे ओरियो, जो हमने बेस बना के रखी हुई थी ओरियो और बटर की। आप चाहें तो उसको स्पून से डैप डैप करके सेट कर लें या फिर ग्लास की मदद से सेट कर लें, जिस तरीके से आपको, जिस चीज़ से आपको आसानी से ये सेट हो सकता हो आप सेट कर लीजिएगा। अच्छा, एक सजेशन मैं और देना चाहूँगी कि अगर आप बड़ों के लिए ये डिलाइट बना रहे हैं तो फिर आप डबल लेयर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें 3 शॉट्स बनेंगे। अभी इन इंग्रेडिएंट्स में मैंने बच्चों के लिए बनाया है तो इसमें 6 शॉट्स बने हैं। तो अगर आप डबल लेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली इसमें 3 शॉट्स बनेंगे, ठीक है जनाब। और आपने इस तरह से लेयरिंग करनी है कि ओरियो और क्रीम और स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो है वो तीनों की लेयर्स जो हैं वो शॉट में से नज़र आए, तो ये बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग लगेगा और खाने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये बहुत मज़े की कोई चीज़ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऊपर इसके स्ट्रॉबेरी जैली बनाकर वो कट करके क्यूब्स इसमें ऐड कर सकते हो, या चाहे तो आप केन वाली स्ट्रॉबेरीज को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से स्ट्रॉबेरीज को यूज़ करोगे। तो बेसिकली ये हो रहे हैं तैयार, और इनको फिर आपने चिल कर लेना है अच्छा सा ना, 3 घंटे तो आप इसको चिल करें आराम से फ्रीज़र में। ये बिल्कुल आइसक्रीम से कम नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, आपने ज़रूर 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 ट्राई करना है। ओके देन, अच्छा उसके बाद डिनर में मैंने बनाई थी स्पैगेटीज, बहुत मज़े की थी ये भी, और ये चाउमिन स्टाइल थी। और ये आई वाज मेरा प्यारा सा नेफ्यू सेम माशाल्लाह, और आई वाज एंजॉयिंग विद हिम, और डिनर में हमने ये स्पैगेटीज खाई थी। अच्छा, आपने मेरी वीडियोस को ना लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दूसरों को भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें बहुत मज़ेदार कंटेंट होता है। और ये लैम्प जो मैं लाई थी और यहाँ वहाँ रुल रहा था, ये फाइनली लग गया है, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ एंड Take care.